सभी दोस्तों का एनपी अपडेट्स में स्वागत है। ओरेरी क्षेत्र की अपडेट्स आज की वीडियो में भैरोड़ पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच की लड़ाई, गुज्जर गैंग गिरफ्तार और किसान आंदोलन, साजापुर बॉर्डर पर अवैध शराब की जब्ती और एक थानेदार को लाई नजर करने का मामला और लुटेरों की एक गैंग गिरफ्तार जिसमें खुद पुलिस वाले भी बाकायदा उसके सदस्य थे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके इस कदम से हमें बहुत सहयोग मिलता है। खैरतल पुलिस ने सोनू गुज्जर गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। 8 महीने पहले सोनू गुज्जर गैंग एक ठेके और एक गोदाम को लूटने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही थी कि पुलिस को उसके मुखबिर ने सूचना दी कि सोनू गुज्जर गैंग एक शराब के ठेके और उसको गोदाम पर धावा बोलने वाली है। पुलिस ने जब रेड मारी तो इस गैंग के मेंबर्स वहां से फरार हो गए और आज पुलिस ने इस गैंग के एक गुर्गे यशवंत सिंह उर्फ यशु को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके फरार साथियों को भी पकड़ा जा सके। हरियाणा राजस्थान बोर्ड साजापुर पर करीब 2 महीने से आंदोलन चल रहा है। किसानों ने वहां पड़ाव डाल रखा है। पड़ाव स्थल के जस्ट सामने स्थित वीर होटल से आज खैरतल की आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा और वहां से 6 देसी शराब की पेटियां और 288 हरियाणा मार्का के शराब के पौधे बरामद किए। इस वीर होटल का मालिक तेजपाल सनोप सुजान सिंह राजपूत निवासी गूगल कोटा है जो मौके से फरार हो गया। अब ये शराब किसके लिए उस होटल में रखी गई थी और किसको दी जानी थी और ये किसकी थी, ये तभी पता चल सकता है जब इस मालिक को पकड़ा जाएगा। लेकिन कुछ मौका परस्त नेताओं और अन्य तत्वों को इस बहाने से आंदोलन पर उंगली उठाने का अवसर जरूर मिल गया है। भैरोड़ जागवास मोड़ पर चूंकि हाईवे के ऊपर आगे आंदोलन चल रहा है, इस कारण यहां से ट्रैफिक डाइवर्ट करने की प्रक्रिया पिछले 2 महीने से चल रही है। लेकिन यहां पर अच्छी संख्या में पुलिस तैनात नहीं हो पाती है और इसी अनियमितता के चलते आज इसी कट के कारण हाईवे के ऊपर 9-10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम में 4-5 पुलिस एम्बुलेंस भी फंस गई और सैकड़ों विद्यार्थी अपनी स्कूल बसों में फंस गए। और तभी जब ट्रैफिक को सुलझाने में पुलिस वाले लगे हुए थे तो हरियाणा पुलिस के 2 जवान आए और वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के साथ उन्होंने यह कहते हुए बदतमीजी और गाली गलौज शुरू कर दी कि उनको एक VIP मूवमेंट करवानी है और उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए। दोनों पक्ष आपस में झगड़ने लगे, गाली गलौज होने लगा। तभी वहां पर भैरोड़ थानेदार विनोद सांखला साहब पहुंचे और उन्होंने हरियाणा पुलिस के उन 2 जवानों से पूछताछ करना आरंभ किया। इसी दौरान ये सारा हंगामा देखकर वहां पर मीडिया के कुछ कैमरे आ गए तो जब देखा हरियाणा पुलिस के जवानों ने कि उनको शूटिंग की जा रही है तो अपना मुंह छुपाते हुए वहां से खिसक लिए और इस तरह से ये मामला खत्म हुआ। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम साहिबा ने लगातार शिकायतें मिलने के कारण कठुमर थाने के ASI सज्जन सिंह को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया है और मैडम ने कहा है कि इसके खिलाफ जो शिकायतें मिली, पहले हमने उन शिकायतों का सत्यापन किया और जब पता चला कि शिकायतों में दम है तो हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है और इस मामले में एक जांच बिठा दी गई है। बानसुर के नारायणपुर थाना पुलिस ने आज एक लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार किया है। रविवार को धर्मेंद्र नाम के एक व्यापारी जब अपनी दुकान को बंद करके घर की तरफ जा रहा था, उसको बाइक सवार लोगों ने लूट लिया था। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए आज अमित, सतवीर और विक्रम को गिरफ्तार किया है और इनसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में पता चला है कि एक पुलिस वाला जिसका नाम अमित यादव है और जो फिलहाल जयपुर में तैनात है, वो भी इस गैंग में शामिल है और इस लूट में भी वो शामिल था। और इनके 2 और सदस्य जिसका नाम प्रदीप और जय सिंह है, वो दोनों अभी फरार चल रहे हैं। थानेदार सुरेश सिंह ने कहा कि पुलिस में तैनात अमित यादव के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस गैंग को पूरी तरह से काबू में किया जाएगा। तो ये थी आज की क्षेत्रीय अपडेट्स।
अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।